बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दसवीं क्लास की बायो में आज चैप्टर नंबर 13 का जो हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंट कहते हैं पीस को, टुकड़े को। कुछ सर्टन वॉर्म्स जो होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो मतलब अपने जिस्म के पीस बना देते हैं, 8 से 9 पीस इनके हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि हर पीस एक मुकम्मल कीड़ा बन जाता है, वाम बन जाता है। इस अमल को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी उसके जितने भी हिस्से बनेंगे, जितने पीस बनेंगे, वो सारे के सारे फिर दोबारा एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल प्लेनेरियन है, प्लेनेरिया के अंदर जो है वो ये अमल होता है। नंबर 2 पे हम बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग एक उभार को कहते हैं, जैसे ये एक सेल के ऊपर एक उभार बना है। ये अब सेल का न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक ये उभार के अंदर चला गया, बाद में ये लैदा हो गया, इसके ऊपर एक नया बड बन गया, ये डॉटर है, ये सेल है। यीस्ट की एक एग्जांपल है, बडिंग की 3 एग्जांपल है, बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन कोरल्स। और यीस्ट सेल जो है वो इस तरह बड बन के ये एक सेल जो है वो आगे सेलों में डिवाइड हो जाता है। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये देखें ये छोटा सा एक बड बना है, इसके ऊपर ये बड बड़ा होता गया ऊपर, फिर जो है वो जब ये थोड़ा बड़ा हुआ है तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, लैदा हो जाएगा और ये फिर एक लैदा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है जी। तीसरी एग्जाम्पल है बडिंग इन कोरल्स। कोरल्स क्या होती हैं कि इनके बड जो बनते हैं वो बाद में उनसे लैदा नहीं होते, उसके ऊपर बनते जाते हैं, बड ज़्यादा हो जाते हैं, वो एक कलोनी की शक्ल तैयार कर लेते हैं। कलोनी क्या होती है? सेल का ऐसा ग्रुप होता है जो वर्किंग तो इंडिपेंडेंट करता है लेकिन रहता ग्रुप की शक्ल में है, जिसे कलोनी कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल के साथ आज का जो हमारा लेसन है ये ख़त्म हो गया, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग।